नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से असेंडिंग पर। जी हाँ दोस्तों, साल के शुरुआती में देश के 5 राज्यों में यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लेकर SP और BSP तक सभी ने चुनावी संग्राम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके अलावा तमाम क्षेत्रीय पार्टियों ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, किसको मिलेगा बहुमत, किस राज्य में किस पार्टी की होगी बढ़त, इन पांचों ही राज्यों की जनता के दिल में क्या है, ये जानने की कोशिश की है हमारे न्यूज चैनल और ABP न्यूज सी वोटर के द्वारा किए गए सर्वे की। बात करें तो किस राज्य में कौन सी पार्टी कर रही है वापसी, तो वही किस पार्टी की सत्ता में विदाई हो रही है, इन सवालों के लेकर जनता से उनकी राय मांगी है। जानिए लोगों के दिल में क्या क्या है, कौन सी बात है जो यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा पांचों ही राज्यों के तमाम ओपिनियन पोल और जनता की राय आपके सामने रखने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2022 के शुरुआती में किस पार्टी के बल्ले बल्ले होने जा रही हैं और किस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मणिपुर की। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर की 60 विधानसभा सीटें हैं। 60 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा वोट शेयर, तो दोस्तों बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 39% वोट शेयर मिल सकता है मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों में से 39% वोट शेयर। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 33% वोट शेयर, तो वहीं NPF को यानी मुर्गा वाली पार्टी को यहाँ पर 9% वोट शेयर मिल सकता है और अन्य पार्टी को यहाँ पर तीसरे नंबर पर यानी 19% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों में से। जनता के राय के अनुसार यहाँ पर 39% BJP, तो 33% कांग्रेस पार्टी, NPF को यहाँ पर 9% और अन्य अदर पार्टी को यहाँ पर 19%, सबसे ज्यादा 19% अन्य पार्टी को मिलती नजर आ रही है। देखना यह होगा कि आगे जनता की राय के अनुसार मणिपुर में किसको कितनी सीट मिल रही है, तो दोस्तों जान लीजिए आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं और एन बीरेन सिंह को यहाँ पर 25-29 यानी BJP को यहाँ पर 25-29 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं यहाँ पर 60 में से यानी कि बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पा रही है BJP, तो वहीं बात कर लेते हैं कांग्रेस का क्या हाल है, तो दोस्तों देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर मणिपुर में कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 20-24 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 20-24 सीटें, यह भी यानी कांग्रेस पार्टी भी बहुमत के आंकड़े के जादुई आंकड़े को नहीं छू पा रही है। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं NPF यानी मणिपुर की क्षेत्रीय पार्टी को यहाँ पर 4-8 सीटें। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर की क्षेत्रीय पार्टी को 4-8 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अन्य पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, तो आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अन्य पार्टी को यहाँ पर 60 में से 3-7 सीटें मिल सकती है, या तो 3 के बीच में कोई भी सीट यानी 4-5-6 इनमें से कोई भी सीट मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर मणिपुर में किसी भी पार्टी को एक तरफा बहुमत नहीं मिल रहा है और यहाँ पर किसी ना किसी पार्टी से गठबंधन करके ही सरकार बना सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं गोवा की 40 यानी कुल 40 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, तो दोस्तों जान लीजिए इससे पहले जान लेते हैं किस पार्टी को किस कितना वोट प्रतिशत मिल रहा है। गोवा विधानसभा सीटें की बात करें तो यहाँ पर 40 विधानसभा सीटें हैं और 40 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी BJP को 36% वोट शेयर मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 19% वोट शेयर और जबरदस्त लीड के साथ 24% आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकता है वोट शेयर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टक्कर में दिख रही है BJP और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के, यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस लिहाज से देखा जाए तो गोवा में 19% वोट शेयर के साथ कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर लीड मार सकती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। तो वहीं यानी कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 19% वोट शेयर मिल सकता है और अन्य से भी कम वोट प्रतिशत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है
कांग्रेस का यहाँ पर गोवा में काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गोवा की किन किन विधानसभा सीटों पर कौन कौन से दल को मिलेगी सीटें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रमोद सावंत यानी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद सावंत यानी बीजेपी को 40 सीटों में से 19 से 23 सीटें यानी बहुमत के बहुत करीब करीब आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। प्रमोद सावंत फिर से या तो एक सीट से बहुमत यानी एक सीट से बहुमत कम मिलेगा या फिर बराबर बहुमत के साथ 19 से 23 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं प्रमोद सावंत की। तो यहां पर प्रमोद सावंत फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर इस ओपिनियन पोल के अनुसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अगले बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, आम आदमी पार्टी को कितनी सीट। तो दोस्तों देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 से 6 पिछली बार की तुलना में इस बार काफी ज्यादा घाटे का सौदा हो सकता है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर कैसा परफॉर्म करेगी ये देखना होगा और कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर नैया काफी ज्यादा डूबती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर गोवा में 40 में से मात्र 2 से 6 सीटें ही पार करने में कामयाब हो सकती है कांग्रेस पार्टी। तो वही बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी का क्या रहने वाला है रेशियो। तो दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी काफी ज्यादा नुकसान। जी हाँ दोस्तों आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 3 से 7 सीटें ही मिलने की संभावना जताई जा रही है और 40 सीटों में मात्र 3 से 7 सीटें अरविंद केजरीवाल के खाते में जा सकती हैं। वही बात कर लेते हैं अन्य पार्टी को यहाँ पर गोवा में कैसा मिल रहा है सपोर्ट। दोस्तों देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर अन्य पार्टी को 40 सीटों में से 8 से 12 जबरदस्त लीड के साथ अन्य पार्टी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं और अन्य पार्टी को यहाँ पर 8 से 12 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फिर से वापसी करेगी या फिर कोई तीसरी पार्टी बनाएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर 19 से 23 सीटें मिल सकती है तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 से 6 आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 3 से 7 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 8 से 12 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी लीड के साथ मिल सकती है सीटें तो वहीं अन्य पार्टी का बहुमत लेना भी पड़ सकता है या नहीं भी लेना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को मिलने जा रही है सबसे ज्यादा सीटें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तराखंड की सीटों के लिहाज से यानी इससे पहले बात कर लेते हैं वोट शेयर प्रतिशत की। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट शेयर तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 36% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 12% वोट शेयर और अन्य पार्टी को यहाँ पर 11% वोट शेयर। जी हाँ दोस्तों क्या 70 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है बीजेपी तो वहीं 36% वोट शेयर यानी कि 36% बीजेपी के बहुत करीब पहुंचती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 12% वोट शेयर अपने पाले में कर सकती है तो वहीं अन्य पार्टी को यहाँ पर 11% वोट शेयर मिल सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तराखंड में किस पार्टी को 70 में से कितनी सीट मिलेगी। तो दोस्तों जान लीजिए आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं उत्तराखंड ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर जनता की राय के अनुसार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 36 से 40 सीटें तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 30 से 34 सीटें आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 से 2 सीट मिल सकती है अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 से 2 सीट यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच उत्तराखंड में काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है और बीजेपी यहाँ पर 36 से 40 सीटें तो 30 से 34 सीटें कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पर काफी ज्यादा कांटे का टक्कर रहने वाला है उत्तराखंड में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बंजा विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को मिल रही है सबसे ज्यादा सीटें। तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पंजाब विधानसभा सीटों के वोट प्रतिशत की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 35% और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 36%। शिरोमणि अकाली दल यानी यहाँ पर SAD को 21% वोट शेयर तो बीजेपी खाते में 2% वोट शेयर अन्य पार्टी को यहाँ पर 6% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई जा रही है। एक बार फिर से बता दे हैं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 35% तो 36% आम आदमी पार्टी। शिरोमणि अकाली दल खाते में 21 तो बीजेपी खाते में 2 अन्य पार्टी को यहाँ पर 6
फीसदी वोट शेयर मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो पंजाब में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिल रही है, तो यहाँ पर चरणजीत सिंह को यहाँ पर 43 से 50 सीटें यानी 117 की पंजाब की विधानसभा सीटों में से 43 से 50 सीटें कांग्रेस पार्टी के हाथ में जा सकती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को यहाँ पर कितने प्रतिशत वोट शेयर मिल रहा है, तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 50 से 53 फीसदी 53 सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, 50 से 53 सीटें आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है पंजाब में, फिर भी सरकार में अपना योगदान नहीं दे पा रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर जीतने में कामयाब नहीं हो पा रही है। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल यहाँ पर 16 से 24 सीटें ला सकते हैं। वहीं यहाँ पर बीजेपी को 0 से 1 सीट यानी नरेंद्र मोदी को 0 से 1 सीट, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 से 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर चरणजीत सिंह को 43 से 50 सीटें यानी सेकंड पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी तो फर्स्ट नंबर पर है यानी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 50 से 53 सीटें, वहीं शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 16 से 24 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट, बीजेपी को भी यहाँ पर 0 से 1 सीट है। देखना यह होगा कि 2022 के चुनाव में इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को मिल रहा है बहुमत है? तो दोस्तों देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है। पहले बात कर लेते हैं सीएम की पसंद। उत्तर प्रदेश में 2022 का सीएम पसंदीदा कौन सी पार्टी का है? तो यहाँ पर 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर यानी योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 43 फीसदी योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं सीएम के तौर पर है। तो वहीं बात कर लेते हैं अखिलेश यादव को यहाँ पर 32 फीसदी यानी समाजवादी पार्टी के अखिलेश सुप्रीमो 32 फीसदी लोगों के पसंदीदा है। तो वहीं बात कर लेते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती को यहाँ पर 15 फीसदी लोग पसंद करते हैं और कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 4% वोट यानी 4% लोग उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ पर पसंद करती है। आरएलडी के जयंत चौधरी को यहाँ पर 2%। तो वही अन्य पार्टी का बात कर लेते हैं, अन्य पार्टी को यहाँ पर 4% वोट शेयर यानी कि 4% लोग पसंद कर रहे हैं। बात कर लेते हैं किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिल रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर बीजेपी को यहाँ पर 41.9% वोट शेयर मिल सकता है। तो वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 33.1% वोट शेयर, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 12.4% वोट शेयर, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8% और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4% वोट शेयर मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की 403 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 41%, तो वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 33%, बहुजन को यहाँ पर 12%, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8 और अन्य पार्टी को यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य पार्टी को यहाँ पर मात्र 4% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सीटों के लिहाज से 403 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को मिल रही है सबसे ज्यादा सीटें, देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 251 से 260 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 75 से 80 सीटें मिल सकती है। मायावती को यहाँ पर 45 से 50 सीटें मिल सकती हैं, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 45 से 50 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी को यहाँ पर 4 से 5 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 से 8 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 251 से 260 सीटें ला सकती है, यानी कि फिर से योगी आदित्यनाथ सीएम पद के तौर पर चुने जा सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है उसको भी दबा देना मत भूलना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।